आज की वार्डरोब खाली एक स्टोरेज स्पेस नहीं है। क्या आपको पता है इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके बेडरूम इंटीरियर्स के अंदर? हाय, माय नेम इज शशांक जैन एंड वेलकम टू माय चैनल वुडोफा। मैं आज आपको वार्डरोब के कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में और उसकी लैमिनेट्स कैसे चूज करें उसके बारे में एक बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और वीडियो देने वाला हूँ। आपने कभी इतना डिटेल सोचा नहीं होगा कि मुझे इतने सारे लैमिनेट्स, इतने सारे कलर्स के बीच में मैं एक वार्डरोब के लिए कलर क्या चूज़ करूँ और क्या वो इतना इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बेडरूम की सिग्नेचर के लिए, एक बेडरूम के इंटीरियर डिज़ाइन के लिए वार्डरोब क्योंकि सामने होती है तो कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम वो सारे कलर्स के बारे में बात करेंगे, वो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो आपको वार्डरोब के लिए चाहिए। बिफोर आई डू दैट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे ही है, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना। सो गाइस, आप मैं आपको वार्डरोब के लैमिनेट के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि वार्डरोब के अंदर भी 0.7 mm से लेके 1.2 mm तक की लैमिनेट्स आती हैं जो कि आप फ्रंट फेशिया पर यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारे फिनिशेज हैं, मैट फिनिश है, स्वेट फिनिश है, हाई ग्लॉस है, टेक्स्चर है, और भी बहुत सारे तरीके के मार्बल लुकलाइक्स, बहुत सारे तरीके की फिनिशेज हैं जो आप लैमिनेट के कलर्स के पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फिनिश चूज़ करनी है। सो मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वार्डरोब्स दिखा रहा हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट के वार्डरोब्स हैं, हमने बनाए हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए आसान कर रहा हूँ कि कैसे मैंने उसको यूज़ किया और वो कैसा लग रहा है। तो आप जब ये फोल्डर देखते हैं अपने वार्डरोब के लिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा कौन सा कलर फाइनल लुक लाइक जाके कैसा होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे सैंपल्स हैं और हमें एक बड़े स्पेस में उसे देखना होता है। तो हमें ये बहुत डिफाइन करना ज़रूरी होता है कि हमें लेना क्या है। सो मैं शुरू करता हूँ आपको। सो सबसे पहले मैट फिनिश की बात करेंगे हम। सो मैट फिनिश एक बहुत ही पॉपुलर फिनिश है वार्डरोब्स के लिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैट फिनिश का पूरा एक पैलेट है और बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। तो आप देखेंगे, जैसे मैंने ब्लू कलर टोन्स की वार्डरोब काफ़ी बनाई हैं, हम लोगों ने इस वाले डार्क ब्लू कलर की बहुत बनाई है, ग्रेस की हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, ऑफ वाइट्स, टर्कोइश, येलो, पिंक, हम बहुत सारे कलर्स को यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके इंटीरियर्स में फील कैसे आनी है। तो आप ये देख सकते हैं सिंगल कलर वार्डरोब कैसी लगती है, चाहे वो सिंगल कलर ग्रे हो या सिंगल कलर फ्रॉस्टी वाइट हो या सिंगल कलर में भी बेज हो। उसके साथ कुछ अच्छा सा हैंडल, कुछ अच्छी सी प्रोफाइल को आप डाल सकते हैं या डुअल कलर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये वाला ब्लू कलर इस ब्लू कलर के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फैमिली वही है पर थोड़ा सा हिंट ऑफ कलर्स आ गया किड्स रूम के लिए, जैसे आप अगर डालना चाहें तो। अगेन, ग्रेज के अंदर भी टोन्स हैं, मुझे थोड़े ग्रेज ज़्यादा पसंद है, मैं ग्रेज काफ़ी यूज़ करता हूं। तो आप डार्क ग्रेज या लाइट ग्रे भी यूज़ कर सकते हैं, मे बी उसके अंदर कुछ एक्सेसरीज, कुछ एलिमेंट डाल दीजिए, प्रोफाइल डाल दीजिए, हिंट ऑफ गोल्ड हैंडल डाल दीजिए या कुछ और डाल दीजिए, इस तरीके से आप उसको एनहांस कर सकते हैं। ये कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दोनों कलर बहुत सुंदर कलर्स हैं ग्रे के, एक डार्क है, एक लाइट है, और थोड़ा सा फैब्रिक जैसा कि कपड़ा होता है तो ये फील बिल्कुल कपड़े की ही देता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन हमने काफ़ी यूज़ किया है हाई ग्लॉस फिनिश में, ये लाइट कॉम्बिनेशन है और ये डार्क कॉम्बिनेशन है, उसके ऊपर थोड़ा सा हिंट ऑफ प्रोफाइल डाल दीजिए तो बहुत सुंदर लगेगा। अगेन, आप देख सकते हैं गाइज, ये एक सिंगल एंटीक वुड ग्रे कलर है। अगर आपने कोई एंटीक का नॉब डाल दिया, एंटीक का उसका हैंडल लगा दिया वार्डरोब में और पूरी वार्डरोब में सिर्फ यही कलर जो आप देख रहे हैं यूज़ कर लिया, तो आपको बहुत ही सुंदर एंटीक रस्टिक फील आने लगेगी उस रूम के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा हाई ग्लॉस फिनिश के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वार्डरोब में हाई ग्लॉस फिनिशेस भी चलती हैं। सो आप लाइट कलर लाइक ऑफ वाइट टाइप कलर ले लीजिए, इसके ऊपर एक गोल्ड की प्रोफाइल या गोल्ड का कोई हैंडल डाल दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। जैसा आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट में हमने किया था, ये ऑफ वाइट कलर लिया और थोड़ा सा प्रोफाइल गोल्ड का इसके अंदर डाल दिया। सिंगल ग्रे भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि यूज़ किया जा सकता है। पूरी वार्डरोब को सिंगल ग्रे कलर में डाल दीजिए एंड ब्लैक का मे भी कुछ हैंडल रख दीजिए, अब छोटी सी एक स्ट्रिप ब्लैक कलर की आप डाल दीजिए। अगर आप इस तरीके से प्लान करना सोचेंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर उस रूम में, उस वार्डरोब में लगेगा।
अभी मैं आपको एंटीक फिनिश की बात कर रहा था, अगर आप एंटीक के साथ को ब्लू कलर को यूज़ कर लें, अभी जैसे इस वार्डरोब में आपको दिख रहा है जो हमने पीछे एंटीक दिखाया था, अगर उस एंटीक के साथ एक ब्लू या डार्क ब्लू या मे बी लाइट सियान ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। एंटीक कलर मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, उसका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये देखिए, ये एंटीक कलर है और ये ब्लू कलर है, अगर आप इन दोनों को यूज़ कर लीजिए तो ये भी काफ़ी अच्छा वार्डरोब का कलर बना देगा, जैसा कि आपको मेरे वीडियो में देखा हमने ये दोनों को यूज़ किया है। डार्क कलर यूज़ कर लीजिए अगर आपको लाइट कलर ज़्यादा पसंद नहीं है तो। अगर आपके घर में डॉटर्स हैं और आप अपना डॉटर्स रूम बना रहे हैं तो ये दोनों कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये शैम्पेन कलर है, विच इज़ ऑल्सो पिंक कलर जिसको बोलते हैं, तो पिंक के साथ थोड़ा ब्लू यूज़ कर लीजिए। मे बी एक बॉय और एक गर्ल है तो उसको थोड़ा सा अपना अपना रूम सा लगेगा, आप ये दोनों कलर्स के साथ भी उसकी एक अच्छी फील बना सकते हैं, जैसा कि आप हमारी वार्डरोबिंग देख रहे हैं। आप डार्क ग्रे के साथ एक वुडन का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी ये एक वुडन का कॉम्बिनेशन है, देखिए अगर आप वुड और डार्क ग्रे को यूज़ कर लेंगे तो भी बहुत सुंदर वार्डरोब लग सकती है, जैसा आपको मेरे प्रोजेक्ट में दिख रहा है, हमने डासनैक में किया था नोएडा में, तो ये भी एक अच्छे प्रोजेक्ट में हमने ग्रे एंड ब्राउन को यूज़ कर लिया और बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन निकल के आया। आप देख सकते हैं एक ब्राउन का टोन है और एक थोड़ा सा ग्रे है, तो इसको दोनों को यूज़ करके बहुत अच्छा कलर बन सकता है। अब मैं आपको थोड़ी और फिनिशेस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर वार्डरोब के अंदर अगेन शिमर थोड़ा नहीं चलता है, मार्बल लुक अलाइक बहुत चलता है। ये सतवारियों की लैमिनेट है, इसका बहुत कॉमन टाइल्स पत्थर सब कुछ आता है, तो आप पूरी वार्डरोब पे इसको भी लगा सकते हैं। मे बी थोड़ा सा हिंट ऑफ कलर डाल दीजिए, मे बी थोड़ा सा हिंट ऑफ प्रोफाइल डाल दीजिए, आपको ये बहुत सुंदर लगने लगेगी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी फिनिश दिखा रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी फिनिश है, इसको लेदर फिनिश भी हम बोलते हैं। तो ये जब लग जाता है तो ऐसा लगता है कि लेदर की वार्डरोब का लैमिनेट है, तो आपने मतलब ये आप एक्चुअल अगर आपके पास बजट है तो आप लेदर का कपड़ा या लेदरेट का कपड़ा भी ये वार्डरोब पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप डायरेक्टली लैमिनेट लगा लीजिए। इसके अंदर ग्रूव्स हैं, जैसा आप देख रहे हैं, मैं टच करके आपको दिखा रहा हूँ, ये सब ग्रूव्स बने हुए हैं और सफाई करने की कोई चिंता नहीं है, आराम से कपड़ा मार के साफ हो सकता है और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। खाली वाइट या दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये एक अनदर फिनिश है इसके अंदर, ये थोड़ा 3D का पैटर्न है, आप देख लीजिए। तो ये दोनों कलर्स या एक सिंगल कलर को भी आप यूज़ कर सकते हैं इन पूरी वार्डरोब में, तो ऐसा लगेगा कि 3D का इफेक्ट आएगा, तो आपको कमरे में थोड़ा इल्यूजन लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ कर लीजिए। सो गाइज, ये दोनों भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, मार्बल लुक अलाइक है पर ये मैट फिनिश है। वार्डरोब में जैसे मैंने बताया मैट फिनिश भी चल सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं आप, या सिंगल कॉम्बिनेशन या सिंगल कलर भी आप इसे लगा सकते हैं। पूरा सतवारियों का मैट फिनिश है और ये बर्बरी ग्रे का मैट फिनिश है, बहुत सुंदर कलर है, आपको बहुत सारे लैमिनेट्स में ये कलर मिल जाएंगे। इतने सारे कलर्स, माय गॉड, कैसे चूज़ किया होगा इन सब में? अब मुझे लगता है आपको मेरे वीडियो के बाद थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि वार्डरोब के कलर्स कैसे चूज़ करने चाहिए, क्या कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचें और किस तरीके की फिनिशेस को लेना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मैट फिनिश है पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बताए हैं, तो उसको देखिए, वार्डरोब को लगाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर अभी तक नहीं करा है तो ज़रूर कर लीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो घर बना रहे हैं या मे बी वो एक अपने घर के अंदर वार्डरोब ढूंढ रहे हैं या बनाना चाहते हैं या कलर ढूंढ रहे हैं बनाना चाहते हैं, तो उसको ये सब ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।